शादी के बावजूद किन कारणों से महिलाओं को अच्छे लगने लगते हैं दूसरे मर्द, क्या आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब दोनों के बीच किसी कारण कड़वाहट पड़ने लगती है तो यह स्थिति रिश्ते के लिए और घातक बन जाती है। कई बार तो किसी न किसी कारण से शादीशुदा जिंदगी में तीसरे की भी एंट्री हो जाती है। हालांकि शादी के बाद कई पुरुष दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, हालांकि महिलाएं भी इन मामले में पीछे नहीं रहती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाएं किन कारणों से शादी के बाद दूसरे मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों, कई मामलों में जब लड़की की मर्जी के खिलाफ दूसरे व्यक्ति से शादी करवा दी जाती है तो वो अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाती हैं। अपने बीते हुए कल को भूल ना पाने के कारण वह अपने नए पार्टनर से कभी भी भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाती हैं और ऐसे में वह अपने पहले प्यार की ओर दोबारा आकर्षित होने लगती हैं। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में कई बार पति की ओर से प्यार और उसका समय न मिलने पर लड़कियां अपनी शादी से बोर हो जाती हैं। इस दौरान अगर उन्हें दूसरे पुरुषों का अटेंशन मिलने लगती है तो वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, जिस कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट आने लगती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब महिलाएं खुद को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने लगती हैं तो वो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेने लगती हैं। सामान्य तौर पर महिलाएं जब अकेला फील करती हैं, जब उन्हें अपने पति से प्यार, सम्मान और साथ बैठकर वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है, दोस्तों कई बार महिलाएं अपने पार्टनर की बातों से इतना आहत हो जाती हैं कि पति से इस बात का बदला लेने के लिए किसी और के साथ तक अफेयर कर लेती हैं। दोस्तों, कमेंट में आप मुझे बताइए कि शादीशुदा होने के बावजूद किन कारणों से महिलाओं को अच्छे लगने लगते हैं दूसरे मर्द, क्या है वो वजह आपकी राय में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।